मेरे भाई, तो आप सब कैसे हैं? तो दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम वायरिंग लगाना सीखेंगे हब के अंदर। हब के अंदर कैसे वायरिंग लगाए जाते हैं, तो इंशाल्लाह वही आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करिएगा, ठीक है? तो यहाँ कैमरे को तो आप देखिए, जो इसमें क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं हम, HKF की क्वालिटी है, ठीक है? और इसकी वायरिंग जो इसमें लगी होती है, वायरिंग के बारे में बता दूँ, वायरिंग जो लगा होता है इसमें, वो लगा होता है 6301। तो इसमें जो वायरिंग लगा होता है वो 6302 लगा होता है, ठीक है? और मैं अभी वायरिंग लगाने जा रहा था तो आवाज़ सही आ नहीं पाती ना, तो इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट को दे दिया है। तो ये अभी आपको वायरिंग लगा के दिखाएगा किस तरह से हमें हब के अंदर लगाना है, क्योंकि ये जो हमारा हब होता है ये एल्युमिनियम का होता है पूरा। इस पर ज़्यादा ठोका ठाकी करेंगे तो ये टूटने का भी डर होता है। ये जो कॉलर हमारा होता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कॉलर है ये हमारा एल्युमिनियम का होता है। और ये जो मैं पहिए की बात कर रहा हूँ, ये अगले पहिया है, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, ये पकड़ो ज़रा। तो ये अगला पहिया है हमारा, जो आगे का पहिया होता है, आगे वाले पहिए में ये देखिए वायरिंग लगा होता है 6302, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, नंबर इसका अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 6302, देखिए इस पर लिखा हुआ है, RS का वायरिंग है, ठीक है? 6302 का वायरिंग है ये, और ये 6302 का हब लगा होता है। और कौन सी गाड़ी में लगा होता है मैं ये भी दिखा दूँ। बहुत सी हमारी गाड़ी है, ये देखिए यात्री गाड़ी है हमारी, ये खड़ी हुई है यात्री गाड़ी, ठीक है? ये देखिए, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, यात्री गाड़ी में हमारा लगा होता है और ये अगले पहिए में लगा होता है। और बहुत सी गाड़ियों में लगा होता है जिसमें मोटे शाकर होते हैं, ये जो हमारे मोटे शाकर हैं 43mm के, इसमें लगा होता है। तो आपको चलिए दिखाते हैं हम कैसे लगेगा ये। तो इनको भाइयों को अपने ज़रा लगा के दिखाओ किस तरह से हमारा वायरिंग लगेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले इस पर इधर रख के इसको ठोकना है, और बहुत ही प्यार से आराम से इसको ठोक लेना है। इसको लगाने के लिए देखिए, आपको एक अगला एक्सल ले लेना है जो पतले शाकर का होता है, इसको ऊपर से ठोकना है। लगाओ, इसको लगा के दिखाओ। तो देखिए, इस तरह से आपको ठोकना है, दोनों तरफ से आराम से बराबर से ठोकना है, ठीक है? जब आप बराबर से इसको ठोकोगे तो ये आराम से बैठता चला जाएगा। तो देखिए, ये बैठ रहा है आराम से, ठीक है? और हमारा वायरिंग देखिए किस तरह से बैठ चुका है, ये देखिए बिल्कुल ये कॉलर से चिपक चुका है। और फिर उसी तरफ से इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको लगाएंगे, ठीक है? इसमें देखिए एक डिस्टन भी पड़ा होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये डिस्टन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सपोर्ट के लिए होता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वायरिंग आपका बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये सपोर्ट का काम करता है, ये वायरिंग को सपोर्ट देता है, ठीक है? और लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? वरना वायरिंग पे लोड पड़ेगा, वायरिंग टूट जाएगा। अब लगाओ दूसरी वायरिंग। तो देखिए, दूसरी तरफ का वायरिंग है हमारा, इसको भी इसी तरह से हम ठोक लेंगे, ठीक है? देखिए, तो देखिए इसको इसी तरह से हम ठोक लेंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से, दोनों तरफ से बराबर से ठोक लेंगे। तो ये देखिए, हमारा वायरिंग बिल्कुल बैठ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, आसानी से हमारा बैठ गया है, ये देखिए, और बढ़िया चल भी रहा है ये। तो इसी प्रकार से आप वायरिंग को लगा सकते हैं। तो और इधर से भी देखिए, हमारा वायरिंग बिल्कुल बैठ चुका है, ठीक है? और मैंने आपको वायरिंग का नंबर भी बता दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको अगले पहिए का वायरिंग लगाना आ गया है। और इसी बात पे मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, उसको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, इसको निकालने का तरीका भी मैं दिखा देता हूँ, निकाल के दिखाओ। देखिए, अब ये पीछे वाली जो वायरिंग है, ठीक है, इसको निकालेंगे इतनी आसानी से। देखिए, निकाल के भी दिखाता हूँ मैं इसको। देखिए, हल्का हल्का सा किनारे साइडों में लगा के इसको ठोक लेंगे इसी तरह से, चारों तरफ से हल्का हल्का, ये हल्का हल्का सा ठोकेंगे इसको। देखिए, हल्का हल्का सा हमने ठोक लिया, और देखिए पीछे से हमारा वायरिंग, ये देखिए, निकल चुका है। इसी प्रकार से आप वायरिंग को निकाल भी सकते हैं, और फिर इसके बाद इसी तरह से आप डिस्टन में इसको डिस्टन डाल के और इसी तरह से आप इस वायरिंग को ठोक के लगा सकते हैं, ठीक है? तो दुआ करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह इस वीडियो से आप जो है वायरिंग लगाना सीख गए होंगे, ठीक है? तो भाई, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।